तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विदास में। आज हम पहले बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर जो है 1% सर्किट मार दिया है, 5% का अपर सर्किट मारा है। क्यों मारा है एक एक चीज़ जो है ना हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 5% का सर्किट मार दिया है पहला चीज़, और ये अपना गुड न्यूज़ है। और हमने फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ था तभी हमने आपको बता दिया था कि इसमें अपसाइड देखने को मिलेगा। क्यों और क्यों था ना, तो क्यों का रीज़न जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ना पूरा मेहनत के साथ लगन के साथ आपको हर एक चीज़ ना एक वीडियो में रखते हैं। तो आप ये देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए आप, तो आपके लिए भी सही रहेगा। जैसे कि ये 15 तारीख बराबर ना, 15 मार्च है ये दिन था, शाम फ्राइडे का था। फ्राइडे के दिन शाम के टाइम पे नोटिफिकेशन आया था रिलायंस की तरफ से, NSE के साइट पे आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं रिसीट पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो अलॉन्ग विथ प्रमोटर जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए गारंटर रखे हैं, और ICICI बैंक के साथ सेटलमेंट हो रहा है, और ये 1 टाइम सेटलमेंट है। तो इसमें जो न्यूज़ आया ना तो एक रिलायंस पावर के लिए काफ़ी अच्छा था। तो रिलायंस पावर ना अभी भागने के लिए तैयार हो चुकी है। जिसको जिसको भागना है, दौड़ना है, अच्छा रिटर्न बनाना है, तो उसको एक बार एक मौका मिल रहा है रिलायंस पावर में। रिलायंस पावर में पहले भी एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन जो पहले भी आया था। अभी बात करते हैं NSE पे। NSE पे देख लीजिए आप, कल जो मैंने बताया था कल भी एक सर्किट लगा था, और एक देख लीजिए आज 41,47,000 का बायर क्वांटिटी पड़ा हुआ है। मतलब कल जब मार्केट ओपन होगा ना तो ये जो 5% का सर्किट ये मारा हुआ ना, ऐसे ही 5% का सर्किट कल भी एक देखने को मिल सकता है। और 5 ही% क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है 5% का। तो हम पूरा आपको मेहनत के साथ बता रहे हैं, तो आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अब इस वीडियो में आपका लाइक बनता है, क्योंकि हम पूरा आपको पहले बताते जा रहे हैं। अब देख लीजिए हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट ये रहा 19.2050 का सपोर्ट है, और ये जा रहा रेजिस्टेंस बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे एक बार मार्केट काफ़ी टाइम तक रहा है। यहाँ से एक ब्रेकआउट लिया था, यहाँ से ब्रेकआउट लिया था, अच्छा खासा वन साइड रैली लिया था, पर हायर आई बनाकर यहाँ पर तक एक बार गया था। तो ऐसे एक चांस ना यहाँ पे भी है, और ये मूवमेंट जो आया ना रिलायंस में, तो बहुत लोग पहले से इन्वेस्ट कर रखे हुए हैं, तो एक तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट जो रहेगा 24 तक देखने को मिल सकता है, दूसरा टारगेट जो रहेगा ना वो इस लेवल तक रहेगा, मतलब 29 तक का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।